हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लुबना तनवीर और टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूं। अभी तक हमने डेफिनेशंस ज्यूरिसप्रूडेंस पे पढ़ी थी, उसके अलावा हमने बेंथम की थ्योरी पढ़ी थी, ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एचएलए हार्ट के बारे में। ठीक है, एचएलए हार्ट जो है वो एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, विश्लेषणात्मक स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एचएलए हार्ट के बारे में अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि उन्होंने तीन बुक लिखी है। ठीक है, ये तीनों बुक के ही नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एक बुक है, दूसरी बुक है पोजिशन इन द लॉ। ठीक है, तीसरी बुक है लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी। ठीक है, ये तीनों ही बुक एचएलए हार्ट ने लिखी है। एचएलए हार्ट की ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इसी बुक में उन्होंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ जो 1961 में पब्लिश हुई थी एचएलए हार्ट के द्वारा। ठीक है, वो बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किसने लिखी है, तो वो एचएलए हार्ट ने लिखी है। ठीक है, ये एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते थे, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, बट इनकी जो पॉजिटिविज्म की थ्योरी थी वो थोड़ी अलग थी। ठीक है, अलग कैसे थी आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि एचएलए हार्ट ने ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, बट मेरा मानना यह है कि उन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं किया, ऑस्टिन की थ्योरी को मॉडिफाई किया है। ठीक है, थोड़ा उसमें बदलाव लेके आए हैं। मॉडिफाई किस तरह से किया है, ऑस्टिन का क्या, ऑस्टिन की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि ऑस्टिन की थ्योरी है कि विधि क्या है, विधि संप्रभु का आदेश है। ठीक है, जो भी पॉलिटिकली सुपीरियर लोग हैं वो पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है, वही लॉ होता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन के लॉ पॉजिटिविज्म में भय का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, फियर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब सही या गलत जो भी संप्रभु ने कह दिया वो ही विधि हो गई। ठीक है, अब ऑब्लिगेशन की अगर बात करें, ऑस्टिन की थ्योरी में ऑब्लिगेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्लिगेशन के थ्रू वो अपनी थ्योरी को, वो अपने लॉ को, उनके मतलब उनकी दी हुई थ्योरी जो है उसमें लॉ को कैसे लोग मान रहे थे, क्योंकि उनका ऑब्लिगेशन था मानना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन कोर आइडिया है, हार्ट की थ्योरी का जो कोर आइडिया है वो ऑब्लिगेशन ही है। ठीक है, कर्तव्य है, बाध्यता है, ऑब्लिगेशन को हम कर्तव्य बाध्यता कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन ही है, लेकिन उन्होंने मतलब नॉन लीगल रूल जो है जिसको कि ऑस्टिन नहीं मानते हैं, जैसे कि ऑस्टिन मोरालिटी को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते थे, मोरालिटी को, पॉजिटिव मोरालिटी को वो लॉ नहीं मानते थे, लेकिन हार्ट ने मोरालिटी की भी बात की है। ठीक है, हार्ट जो है मोरालिटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रथागत जो कानून है, कस्टमरी लॉ है, उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हार्ट कहते हैं कि कानून प्रणाली में लीगल और नॉन लीगल, मतलब कानूनी और गैर कानूनी नियम, दोनों तरह के नियम होते हैं। ठीक है, कानूनी नियम जो होते हैं वो तो होते ही है, उसके अलावा गैर कानूनी नियम, गैर कानूनी नियम क्या होते हैं, गैर कानूनी नियम नैतिकता होती है, प्रथागत कानून होते हैं, ये सारी चीजें जो होती है वो गैर कानूनी नियम होती है। तो हार्ट का मानना है कि एक लॉ इज अ मिक्सचर ऑफ लीगल एंड नॉन लीगल रूल्स, कानूनी और गैर कानूनी नियम की जो है प्रणाली है। ठीक है, उसमें गैर कानूनी नियम में नैतिकता, प्रथागत कानून, ये सारी चीजों को हार्ट इम्प्लिसिट मानते हैं अपने पॉजिटिविज्म में। तो हार्ट ने मोरालिटी और लॉ को बिल्कुल अलग नहीं किया, उन दोनों के संबंध को हार्ट स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मोरालिटी एंड लॉ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तो हो गया, उन्होंने इस तरीके से ऑस्टिन की थ्योरी को मॉडिफाई किया, ऑस्टिन की थ्योरी को उन्होंने माना कि ऑस्टिन जो कह रहे हैं वो सही है, सॉवरेन ने जो लॉ बनाया वो लॉ है, लेकिन उसके अलावा भी लॉ में जो है वो मोरालिटी, कस्टमरी लॉ, इन सब चीजों को भी लॉ हार्ट ने इम्पोर्टेंस दी, एचएलए हार्ट ने। ठीक है, एचएलए हार्ट की ये तो एक बात हो गई, उसके अलावा एचएलए हार्ट कहते हैं कि लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, तो दो तरह के रूल्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का योग है। विधि क्या है, विधि यह है, कानून है, प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का योग है। ठीक है, प्राथमिक लॉ जो है, मतलब प्राथमिक नियम जो है, प्राइमरी जिसको कि प्राइमरी रूल्स कहा है हार्ट ने, वो क्या है, वो ड्यूटी इम्पोजिंग है, वो ऐसे लॉ है जो कर्तव्य लगाते हैं, सदस्य मतलब जो हमारे समाज में सदस्य हैं उनके पर कर्तव्य लगाते हैं, जैसे कि हमारा आपराधिक कानून, मतलब ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है या कोई भी क्रिमिनल लॉ है। ठीक है,
वो सब क्या करते हैं, वो एक तरह की ड्यूटी इम्पोज करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आपने ये किया तो आपको ये पेनाल्टी हो सकती है, ठीक है। तो एक तरह की ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं किस पे, हर सदस्य पे, ठीक है। तो वो जो लॉज होते हैं वो उसको हमने प्राथमिक नियम के अंदर माना है कि वो लॉ वैसे लॉ, ड्यूटी इम्पोजिंग जो लॉ है वो प्राथमिक नियम है। अब उन्होंने एक सेकेंडरी रूल्स मतलब माध्यमिक नियमों की भी बात की। सेकेंडरी रूल्स को उन्होंने तीन तरह के रूल्स में डिवाइड किया, ठीक है। सेकेंडरी रूल को उन्होंने क्या कहा कि सेकेंडरी रूल्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है रूल ऑफ एडजुडिकेशन, दूसरा रूल ऑफ चेंज, तीसरा रूल ऑफ रिकग्निशन। रूल ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है, अधिनिर्णय का नियम, ठीक है। रूल ऑफ चेंज क्या होता है, परिवर्तन का नियम। रूल ऑफ रिकग्निशन क्या होता है, मान्यता का नियम, ठीक है। तो ये रूल ऑफ रिकग्निशन जो है वो भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि रूल ऑफ रिकग्निशन किसने दिया था, तो वो हार्ट ने दिया था। रूल ऑफ रिकग्निशन एक तरह का सेकेंडरी रूल है, ठीक है। रूल ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है, अधिनिर्णय का नियम। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 32 रिट कन्फरिंग पावर, मतलब रिट की पावर जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। जो भी ये सब लॉज हैं ये कहां से उनको हार्ट की थ्योरी में कहां पे फॉल करेंगे, वो रूल ऑफ एडजुडिकेशन में फॉल करेंगे, ठीक है। अभी जैसे बहुत डिबेट चल रही है एनजैक को लेके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को लेके, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, अभी फिर से वो डिबेट शुरू हुई है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर कहां से आती है, वो पावर इसी रूल ऑफ एडजुडिकेशन से आती है। हार्ट की थ्योरी में रूल ऑफ एडजुडिकेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। रूल ऑफ चेंज क्या है, परिवर्तन का नियम, मतलब किसी भी लॉ में अमेंडमेंट, जैसे हमारा आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, संशोधन की शक्ति जो दे रहा है, ठीक है, वो कहां से हो रहा है, वो रूल ऑफ चेंज से हो रहा है, ठीक है। हार्ट की थ्योरी में वो जो हमारे पास अमेंडमेंट, किसी भी लॉ को बदलना, ठीक है, कि मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी किसी लॉ को अगर चेंज कर रहे हैं, तो वो जो पावर है वो रूल ऑफ चेंज से आती है। हार्ट की थ्योरी में रूल ऑफ चेंज में वो फॉल करेगा, ठीक है। फिर रूल ऑफ रिकग्निशन जो है, मतलब मान्यता का नियम। मान्यता का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये कौन सा नियम है, ये वो नियम है जो कि हमारे प्राथमिक जो नियम है उनको मान्यता कहां से मिल रही है, उनको मान्यता यहां से मिलती है, रूल ऑफ रिकग्निशन से। ये ऐसा रूल है, ये ऐसा नियम है जो अन्य नियमों को मान्यता देता है, मतलब उनकी अस्तित्व और वैधता जो है वो ये डिसाइड करता है, ठीक है, उनकी वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, ठीक है। कहां से वो वैलिडिटी मिल रही है, वैलिडिटी डिराइव हो रही है यहां से, रूल ऑफ रिकग्निशन से। तो ये तीन तरह के रूल्स को डिवाइड किया, सेकेंडरी रूल्स को तीन तरह के रूल्स में, रूल ऑफ एडजुडिकेशन अधिनिर्णय का नियम, रूल ऑफ चेंज परिवर्तन का नियम, एंड रूल ऑफ रिकग्निशन मान्यता का नियम। और कहा कि लॉ जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का योग है, लॉ इज द यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, ठीक है, ये हार्ट कहते हैं। उसके अलावा हार्ट बोलते हैं लीगल एंड नॉन लीगल रूल्स, जिसमें कि हार्ट मोरालिटी को भी इम्प्लिसिट करते हैं अपने पॉजिटिविज्म की थ्योरी में, ठीक है। मोरालिटी नैतिकता की बात करते हैं, प्रथागत कानून को भी मानते हैं, अनलाइक ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन इन सब चीजों को नहीं मानते थे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा दो बुक्स और हैं हार्ट की, कॉजेशन इन द लॉ एंड लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी, ठीक है। ये सब कुछ जो भी हार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से वो ज्यूरिस्ट हैं एनालिटिकल स्कूल के, विश्लेषणात्मक स्कूल के, जो कि नैतिकता की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। तो मोरालिटी की बात एक्चुअली हार्ट ही करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ रिकग्निशन किसने दिया है, तो रूल ऑफ रिकग्निशन हार्ट ने दिया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज मुझे आपके साथ यही डिस्कस करना था, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।